का जश्न मनाया जा रहा है गोरखपुर में। जश्न गोरख की तरफ रुख करते हैं। गोरखपुर में आज से गोरख महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का उद्घाटन। सीएम योगी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देर रात गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में गोरख महोत्सव की शुरुआत आज होने जा रही है और यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महोत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। हर तरफ जो है वो तैयारी दिखाई दे रही है। एक बड़ा सा जो है पंडाल लगाया गया आप देख रहे हैं। पर्यटन मंत्री खुद इसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं। समापन जिस दिन होगा उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के समापन के मौके पर योगी आदित्यनाथ का पहुंचना और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर की धरती से ही इसी जमीन से नाता रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये गोरखपुर की धरती सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए काफी महत्व रखती है और ये ऐसे में गोरखपुर में जश्न गोरखपुर जो है काफी अहम हो जाता है। समिति के नोडल अधिकारी के रूप में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि गोरखपुर महोत्सव जो है वो 11 से लेकर 17 तारीख तक एक इवेंट रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी जो चीजें वो 11 से लेकर 13 तक रहेंगे। उसके बाद शिल्प मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा 17 तारीख तक। इसका जो उद्घाटन है वो कल 11 बजे चंपादेवी पार्क में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो समापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से सुशील कुमार मौजूद हैं। सुशील, जानना चाहेंगे कि इस जश्न गोरखपुर की क्या कुछ तैयारियां हैं, उद्घाटन कब तक होगा, क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गोरखपुर महोत्सव का आज से आगाज होगा। 11 से 17 तक चलने वाले इस गोरखपुर महोत्सव के 3 दिन मेन होंगे। 11, 12 और 13 यानी आज जो इसका शुभारंभ होगा उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री करेंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद आज कैलाश खरे हैं बॉलीवुड नाइट में और इस तरह से दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। और फिर कल भी जो है रवि किशन का व्याख्यान है और तमाम अलग अलग कार्यक्रम है। परसों यानी 13 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करेंगे और उस दिन सोनू निगम जो है उस पूरी जो है गोरखपुर महोत्सव का कहीं ना कहीं 4 चांद लगाएंगे और रात में उनका बॉलीवुड नाइट है। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 2 एडिशनल SP, 250 कांस्टेबल और CO सहित तमाम फोर्सेस लगाई गई हैं। पूरे रूट मैप को तैयार कर दिया गया है। 1 लेन पूरा VIP के लिए खाली रखा जाएगा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के। दूसरे लेन पे केवल 1 वे होगा और उसके बाद से लोग उसमें जाकर के इस पूरे गोरखपुर महोत्सव का आनंद ले सकेंगे और तमाम गोरखपुर के कलाकार और तमाम गोरखपुर के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से उसमें शिरकत करेंगे। मेले भी लगे हैं जो 3 दिनों तक चलेगा। तो अलग अलग तरीके से पूरी तरीके से गोरखपुर महोत्सव को के आयोजन को लेकर जो तैयारी की गई थी वो देर रात तक जो है पूरी कर ली गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, तमाम जानकारी और बातचीत का। और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को और एक बार बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव का जायजा लेंगे। खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और गोरखपुर में मौजूद रहेंगे वो अगले 2-3 दिन तक और यहां पर उनके अलग अलग कार्यक्रम है और इसी के तहत जो उनकी अधिकारियों के साथ बैठक है वो होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज इसका जो है उद्घाटन होने वाला है, खुद पर्यटन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। समापन के समय जो है वो शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले इन तमाम महोत्सव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। खिचड़ी मेले की तैयारियां किस तरह की चल रही है उसका उन्होंने जायजा लिया। महोत्सव जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है गोरखपुर के कैलेंडर में, उसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार के करीबन लोगों के आने की संभावना है प्रतिदिन। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है जिसमें कई एडिशनल SP, करीबन 5 CO और 2 दर्जन इंस्पेक्टर और उससे भी ज़्यादा के करीबन 70 के करीबन सब इंस्पेक्टर, 200 के करीबन कांस्टेबल और एक कंपनी PAC, इस तरह की फोर्स लगा के ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसी को ध्यान रखते हुए पेडलगंज से जाने वाले लोग 1 लेन में जा पाएंगे और एग्जिट सबका अमर उजाला चौराहे की तरफ से होगा।
5 पार्किंग आइडेंटिफाई की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के माध्यम से यह संदेश आमजन तक पहुंचेगा और सभी लोग इन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और पुलिस और प्रशासन आप सभी लोगों की सेवा में हमेशा सदैव की तरह तत्पर रहेगा। और एक बार फिर से सुशील का रुख करेंगे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे तैयारियों को लेकर के क्या कुछ देखा जा रहा है ग्राउंड लेवल पर, किस तरह की तैयारियां की, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, गुरु का आशीर्वाद लिया, समाधि के दर्शन किए और अब उनकी अहम बैठक भी होने वाली है। सुशील, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है सुशील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार भी है। दिवंगत पत्रकार भजन गायक के परिवार से मिलेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे परिवार के लोगों से मंदिर में करेंगे मुलाकात। दोनों परिवारों को अपना शोक व्यक्त करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी कि एक तरीके से दोनों परिवारों के साथ मिलकर उनकी जो क्षति हुई है, दिवंगत पत्रकार और भजन गायक दोनों ने जो है वो लगातार जो है वो अपने दुख को जताएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं सुशील का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, जिस तरीके से जनता दरबार की बात करें, आज सीएम योगी का जनता दरबार है, इसके अलावा दिवंगत पत्रकार और भजन गायक दोनों के परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। सुशील, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो चलिए इस खबर पर बने रहेंगे, अपडेट आपको आगे देंगे और सुशील से भी जानेंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से आज ये जश्न गोरखपुर शुरू होने वाला है, किस तरह की तैयारियां। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का